नमस्कार कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान आइए फ्रेंड आज हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव साइंस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को और आज हम कवर करने वाले हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ऐसा महत्वपूर्ण सेगमेंट जहां से क्वेश्चन ईयर आफ्टर ईयर पूछे जाते हैं मैं बात कर रहा हूं जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें करंट का एक ऐसा सेगमेंट जिसे हम नोबेल प्राइज कहते हैं तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड जितने भी नोबेल लॉरेट हैं इस वर्ष 2023 के उन सभी नोबेल लॉरेट और उनका क्या डिस्कवरी रहा है क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने खोजी है जिसके बेस पर उनको नोबेल प्राइज मिला है जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है इस पुरस्कार से उनको नवाजा गया है आइए हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कुछ ट्रिक्स कुछ निमोनिक्स या कुछ फनी तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा बट ये याद रखिएगा ये कॉम्पिटेटिव साइंस की सीरीज आप लोगों को हमेशा ये इसलिए मदद करती है कि जनरल साइंस साइंस एनवायरमेंट एंड एंड टेक्नोलॉजी की उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम टच करें जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइप के वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर हो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग पार्ट है और जिसमें हम ट्रिक्स एमसीक्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मोटिवेशन चीजें कवर करते हैं तो आज के सेशन में हम इस नोबेल प्राइज की सीरीज को कंप्लीट तरीके से फिनिश करेंगे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था नोबेल प्राइज की बेसिक बातें जिसमें भारत के कितने कितने आ, कित महान विभूतियों को जो है है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो उन महान विभूतियों को हमने एक लिस्ट के बेस पर हमने समझा था ये महान विभूतियां अलग अलग क्षेत्रों में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था उस लिस्ट को हमने कवर किया था उसके बाद उस डेट तक हम जितने भी नोबेल प्राइज 2023 के जो विनर्स थे यानी नोबेल लॉरेट थे उनका भी हमने डिस्कशन कर रखा था इसके बाद कुछ और है। जो है बाद में आए और उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया आइए उन लिस्ट को कवर करते हैं तो देखिए स्टूडेंट ये नोबेल अल्फ्रेड नोबेल साहब है इन्हीं की याद में जो है प्रतिवर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और ये नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है कब दिया जाता है मैंने बात किया था दो से नौ अक्टूबर तक ही ये डेट होती है और इसको मैंने डेट आप लोग को नोट करवाया था भाई ये नोबेल पुरस्कार कब मिलेगा आप लोग को दो अक्टूबर तीन अक्टूबर चार अक्टूबर पांच अक्टूबर छ अक्टूबर और नौ अक्टूबर को मिलता है यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही ये मिलता है ये फिक्स डेट है याद रखिएगा ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो अल्फ्रेड नोबेल की साहब अल्फ्रेड नोबेल की साहब की याद में दिए जाने वाले ये नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार को एक्चुअल में नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है इस नोबेल कमेटी में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वैसे तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये छह छे क्षेत्रों में दिया जाता है जिसका मैं ट्रिक भी बताया था रिकॉल करा दूंगा आप सभी को लेकिन इस नोबेल कमेटी पर फोकस करिए है ना रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस इंस्टीट्यूट और नॉर्वे की नोबेल कमेटी एंड स्वीडिश अकेडमी ये नोबेल कमेटी के वो क्या है अलग अलग जो है ये संस्थाएं हैं और ये सभी क्या है नोबेल प्राइज देती है अल्फ्रेड नोबेल साहब की याद में जिन्होंने डायनामाइट का जो एक बहुत खतरनाक क्या है, है विस्फोटक है उनकी याद में सॉरी उनके लाइक डिस्कवरी के बाद है ना इनको पास जो है अकूत धनराशि आ गई थी बहुत बड़ी धनराशि आई थी जिसके बाद उसका जो बैंक में डिपॉजिट करने के बाद जो राशि मिलती है यानी कि जो इंटरेस्ट की राशि मिलती है यानी ब्याज की राशि से ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है याद करिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था निमोनिक्स बताया था और इस बार मैं आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की पूरी लिस्ट देखेंगे और ये लिस्ट आप डाउनलोड जरूर करिएगा इसके बेस पे आप क्या इस वर्ष के सभी महत्वपूर्ण जो नोबेल लॉरेट है दो के इंक्लूडिंग डेट्स कब कब क्या दिया जाता है कंप्लीटली कह सकता हूं ये आपके लिए स्टार कंटेंट होगा आज के लिए क्योंकि इसी से गारंटीड प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो ये बात याद रखना ठीक है बिना लेट किए चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो देखो ट्रिक मैंने आप बताया था, वो ट्रिक हो रहा होगा। आपकी जॉब लग गई, कहां पर लग गई? BPCL, पे नहीं, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे नहीं एमपीसीएल पर एमपीसीएल बताया था प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे ऐसा मान लो थोड़े समय के लिए निमोनिक्स है तो मेडिसिन यानी चिकित्सा फिजिक्स यानी भौतिकी केमिस्ट्री यानी रसायन लिटरेचर यानी साहित्य पीस यानी शांति और इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स जिसे हम इकोनॉमिक साइंस भी कहते हैं यानी अर्थशास्त्र इन छह क्षेत्रों में दिया जाता है ये बात ध्यान रखिएगा दो अक्टूबर तीन अक्टूबर चार अक्टूबर पांच अक्टूबर छ अक्टूबर और नौ अक्टूबर को यह दिया जाएगा ठीक है अब यहां पर हम आप सभी को ये पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं इसे जरूर डाउनलोड करिएगा नाउ 2023 का जो नॉम नॉमिनेशन जो हुआ था यह जितनो नोबेल पुरस्कार जिनको मिल चुका था हमने पिछले क्लास में कुछ चीजें कवर कर रखी थी उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं दो मिनट में ताकि आप आगे की चीजें कंटिन्यू कर पाए यदि आप यहां पर समझे यदि यहां पर पहला पॉइंट आपको नोट करना होगा जैसे पहला आता है एम एम से मतलब यहां पर आया क्या है मेडिसिन तो मैंने आप लोग को यहां बताया था जैसे इसके जो विनर है मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के सेक्टर में जिनको मिला है कैटलिन कैरिको और डी तो आप कैसे याद रख सकते हैं के के डी करके दिखाएंगे करके दिखाएंगे मैन ठीक है करके दिखाएंगे मैन को याद रखना तो हम कह सकते हैं कैटलीन कैरिको एंड ड्री यू विजमेन ड्री यू कैटलीन कैरिको एंड ड्री यू किस लिए भाई डिफरेंट टाइप के जो वैक्सीन होते हैं उसमें एक मैसेजर आ वाला भी बेस्ड वैक्सीन होता है आरएनए तीन प्रकार का होता है मैंने पिछली क्लास में बताया था है ना मैंने बताया था एमआरएनए ठीक है मैसेंजर आरएनए टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए तो इसमें हम एमआरएनए की मदद से क्या करते हैं हम एमआरएनए बेस पर क्या है आप वैक्सीन बनाते हैं प्रतिजैविक बना सकते हैं यानी कि सीधा-सीधा कह सकते हो आप टीका या वैक्सीन बनाते हैं तो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बेस पर हमने संशोधन किया और उसमें कुछ जो एक्सपेरिमेंट किया जो एक अभूतपूर्व कार्य था इससे पहले ये नहीं किया गया था जिसके कारण कोविड 19 वैक्सीन बनाने में भी काफी हेल्प मिली वैसे तो वैक्सीन का इतिहास काफी पुराना एडवर्ड जेनर के जमाने से है तो एडवर्ड जेनर साहब ने सबसे पहले टीका खोजा उसके बाद आज देखते हैं डिफरेंट टाइप के वैक्सीन होते हैं पोलियो वैक्सीन से लेकर आपके बहुत सारे वैक्सीन हैं और इसी कॉम्पिटिटिव सीरीज में हम वैक्सीनेशन पार्ट भी हमने कवर किया था इंद्रधनुष सीरीज को आप जाके मिशन इंद्रधनुष में हमने डिफरेंट टाइप के वैक्सीन की बात किया था आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकेंगे यहां पर बात करते हैं करके दिखाएंगे मैन यानी कैटलीन कैरी को यू इस तो इनकी निमोनिक्स की मदद से आप इसका नाम याद हो गया क्या काम किया था उन्होंने किया था मैसेंजर आर एन ए के जो न्यूक्लियोसाइट है ना के उसका बेस पर हमने क्या किया था उसके संशोधन पर हमने अभूतपूर्व कार्य किया था यानी उस बेस न्यूक्लियोसाइट बेस पर उन्होंने रिसर्च किया था और उसी रिसर्च के कारण जो है हम कोविड नाइनटीन के अगेंस्ट कोई भी मैसेजर आ रहे वैक्सीन यहां पर कोविड नाइनटीन के विरुद्ध जो बना था वैक्सीन में भी काफी हेल्प मिली थी इसके लिए इनको वर्ष 2023 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था आई होप ये याद हो गया करके दिखाएंगे मैन कैटलीन करीको एंड मैन इज इट क्लियर नेक्स्ट यहां पर फिर से आता है यहां पर फिर से आता है अगला वो है आपका फिजिक्स है ना आप उस एम पी सी एल वाले को याद रखना एम पी सी एल पे तो पहला आपका एम हो गया फिर उसके बाद पी अब करेंगे तो एम पी सी एल पे में फिजिक्स फिजिक्स में आपको पहले याद रखना है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीपल्स फॉर एनिमल इस पी एफ ए कहा जाता है पीपल्स फॉर एनिमल एक संस्था है मेनका गांधी की संस्था है जो क्या करती है पता है जो एनिमल्स को जो है जो बेजुबान जानवरों की या एनिमल्स की क्या है उनके लिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके केयर करने के लिए एक संस्था है पीपल्स फॉर एनिमल ठीक है तो उसी ट्रिक को यहाँ पर यूज करते हैं है ना उनके संरक्षण के लिए केयर करने के लिए मेनका गांधी का एक एनजीओ है ठीक है उसके पूरे भारत में अलग अलग ब्रांचेस है वर्ल्ड लेवल पर रिकोगनाइज है याद रखना कोई छोटी मोटी संस्था या एनजीओ नहीं है ठीक है तो यहां पर देखो पीएर ए उसके बाद फेरेंक

ठीक है कुछ फ्रेंच नेम होते हैं कुछ डेनिश नेम होते हैं कुछ डच नेम होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन आपको वहां दिया हुआ है क्या काम किया था इन्हों, इन्होंने इन्होंने तीनों ने क्या किया था कि ऐसे सब्सटेंस जो सब्सटेंस होते हैं पदार्थ होते हैं वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं इसको उन्होंने खोजा था आई होप ये बातें समझ आई होगी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना किसी भी पदार्थ पदा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो मेसॉन बोसॉन ऐसे बहुत सारी चीजों से मिलकर बने होते हैं तो होता क्या है इस लाइट की नेचर होती है एक तरंग और कण दोनों की भांति काम करता है ठीक है डुवेल नेचर यानी कि समटाइम वर्क्स लाइक अ पार्टिकल समाइम वर्क्स लाइक अ लाइट तो कम टू द पॉइंट कि प्रकाश की छोटी तरंगे कैसे उत्पन्न की जाती है छोटे वेव्स कैसे उत्पन्न किए जाते हैं इसका उपयोग उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जा में बदलते हैं यह पूरी तरह से एक क्वांटम फिजिक्स है आपको चीजों को समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं इन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स जो उत्पन्न करते हैं नैनो नैनोपीको फेमटो एटो होता है ना नैनो नैनोपीको मतलब टेन टू दावर नाइन आपको यह बात लॉजिक याद होना चाहिए टेन टू दी पावर नाइन नैनो उसके बाद टेन तीन तीन, तीन जोड़ते जाओ नौ बारह फिर पंद्रह फिर अट्ठारह तो यहां पर कहेंगे नैनो फेमटो एटो एटो मतलब टेन टू दावर माइनस एटीन ठीक है तो इस प्रकार आप देखते क्या है कि इतने कम सेकंड में जो एटो सेकंड्स में जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं प्रकाश के लिए जो पल्स उत्पन्न करते हैं इसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया था तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं गतिशील होते हैं उसके अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था जो प्रकाश के एटो टू सेकेंड फल्स उत्पन्न करते हैं ये बात उन्होंने बताई थी ठीक है तो उस पी को याद रखना चलो अब इसके बाद आता है आगे आज यहां से हमारा जो है नया कंटेंट है आज के सेशन का तो मैंने कहा था कुछ ट्रिक्स निमोनिक्स आपको जरूर बताऊंगा तो इसका भी ट्रिक्स निमोनिक्स देख लेते हैं भाई एम पे आया तो सी अब आ गया भाई सी मतलब केमिस्ट्री तो इसमें किसमें है देखो इसको याद रखने के लिए मोंगी जी बावेंडी तो मोंगी का एम लुइस ब्रूस एल और एलेक्सी आई एकीमो ए तो एम एल ए को याद रखना इतने में ही आपका ऑप्शन क्रैक हो जाएगा सिविल सर्विस या व्यापम में इतना भी आप लॉजिक लगाओ तो क्लियर हो जाएगा उधर हमने PFA देखा था पीपल्स फॉर एनिमल वाला शॉर्टकट यहां पर एमएलए एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक वगैरह की बात करते हैं वैसे भी चुनाव का माहौल है समझ जाओ एमएलए तो क्या कहोगे जी भावेंडी लुइस आई एकिमोव ठीक है अगर आप ऐसा समझ नहीं पा रहे हैं तो एक और छोटा सा निमोनिक्स बता देता हूं जो आपको सही लगे है ना लुइस लुइस और एलेक्सी क्या होते हैं लुइस एंड एलेक्सी क्या है दोनों फ्रेंड हैं और वो क्या खाते हैं मैगी खाते हैं ऐसा भी आप याद रख सकते हो लुइस और एलेक्सी फ्रेंड है वो मैगी खाते हैं वॉट आपको एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है बस यही इस प्रकार की ट्रिक वगैरह को आप लोग याद जरूर रखा करो लेकिन आपको एमएलए से भी याद आ जाएगा भाई तो मॉंगी जी बावेंडी लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकीमो इस प्रकार याद हो गया या फिर एमएलए से भी याद रख सकते हो अब इन्होंने किया क्या था इन्होंने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए सिंथेसिस के लिए द डिस्कवरी इन्वेंशन एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स क्वांटम फिजिक्स है इससे पहले ये देखो ये केमिस्ट्री है उसके पहले हमने फिजिक्स में भी उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के बाद उसमें जो एटो सेकंड उत्पन्न करते हैं पल्स उसकी बात किया था यहां पर भी फिर से देखो ये जो आपका केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में भी यही बात समझनी है कि क्वांटम डॉट्स का इन्होंने इन्वेंशन और सिंथेसिस किया है इसके लिए था किया था तो देखो तीनों अलग अलग सेपरेटली इसको खोजे थे लेकिन तीनों को संयुक्त रूप से इनको क्या मिला है आपका नोबेल प्राइस मिला है नोबेल लॉरेट है क्या है देखो आप पहले तीनों चीजों को देखो एलेक्सी एक्मो ने क्या किया था कॉपर क्लोराइड है ना एनेस के णों में असामान्य व्यवहार को खोजा था पहले ऐसा खोजने वाले मतलब नैनो पार्टिकल्स ऑफ कॉपर क्लोराइड इसको इन्होंने खोजा था असामान्य व्यवहार को खोजा था और उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था तो गुणों का प्रदर्शन करते हुए इन नैनोकर्णों का सफलतापूर्वक निर्माण किया था यानी इसको बनाया भी था यहीं पर स्टार्टिंग में सिंथेसिस एंड द इन्वेंशन तो कॉपर क्लोराइड के नैनो पार्टिकल्स का इन्होंने सिंथेसिस किया था यह सिंपल सी बातें समझो ठीक है और उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था असामान्य व्यवहार को एक्सप्लेन किया था सिमिलर टाइप की चीजें लुइस ब्रूस ने भी खोजा था लुइस ब्रूस साहब ने क्या खोजा था लुइस ब्रूस साहब ने यह कहा था कि इन्होंने कैडमियम सल्फाइट लिया और उसके नैनो पार्टिकल्स को लिया ऐसी टाइप की खोज की जैसा एकीमो साहब ने खोजा था तो एक्मो साहब ने कॉपर क्लोराइड के नैनो पार्टिकल्स के में असामान्य व्यवहार को समझाया और उसके बाद उसका निर्माण किया था तो लुइस ने कैडमियम सल्फाइड के नैनो पार्टिकल्स को इन्होंने खोजा था और उसमें जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को वो भी बनाने एक्सप्लेन किए थे और बनाए थे ठीक है और सिमिलर टाइप की मोंगी बावेंडी जो है इन्होंने भी क्या किया था ऐसे ही नैनो पार्टिकल का इन्होंने भी सिंथेसिस किया था उनकी अलग अलग टेक्निक्स को उन्होंने बताया था तो कुल मिला के नैनो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स क्या है क्वांटम तो यहां पर सीधा क्या लिखेंगे क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस ठीक है ना क्लियर हो गया तो एम एल ए याद रखे हो गया मोंगी जीवा एल मतलब लुइस ब्रूस और ए मतलब क्या है एलेक्सी मुझे तो याद हो गया भाई मेरे ख्याल से इतनी भी चीजें करेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा इज इट क्लियर नेक्स्ट यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई देन आफ्टर हम बात करते हैं अगला एम पी सी हो गया फिर एल आ जाओ ठीक एल आ गया मतलब लिटरेचर आ गया लिटरेचर में एक बहुत बड़े राइटर हैं इनके बारे में जा सकते हो बहुत बड़े राइटर हैं बहुत बड़े नाटककार भी हैं है ना लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये आ, पुरस्कार तो ये इन किनको मिला था नोबेल लॉरेट कौन है जॉन फाशे जॉन फासे ठीक है और इनको इनका जो काम क्या था ये देखो बड़ी अजीब सी चीज है कि ये बहुत बड़े राइटर थे और इनको लिखने वो क्या है बताओ जॉन फासे की उनकी लेखन शैली इतनी बेहतरीन है कि इनको कहा जाता है फासे मिनिमलिज्म है ना देखो आपको बता दू यूरोपियन कंट्रीज में बड़े बड़े ऐसे राइटर हुए हैं सबका किसी न किसी अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजी के प्रति झुकाव रहा है तो इनका जो लेखन शैली फासे मिनिमलिज्म कहलाता है क्योंकि बहुत बेहतरीन लेखन शैली है है ना इनका क्या था कि ह्यूमन फीलिंग्स को मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में बहुत ही इनोवेटिव तरीके से ये कहते थे बहुत ही इनोवेटिव या नवाचारी तरीके से मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले ऐसे अन कही आवाज थे उनका एक अभिनव नाटक और गद्य के लिए ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था innovative, innovative जो इनोवेटिव इनोवेटिव जो राइटिंग हुआ है इनका अभिनव जो नाटक हुआ है और यहां पर बात करते हैं और गद्य के लिए है ना इनको क्या मिला है आपका नोबेल प्राइस मिला है ठीक है ये नॉर्वे के हैं बेसिकली और लिटरेचर के सेक्टर में इनको मिला था ठीक है तो जॉन फासे सिंगल नाम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं ठीक है जॉन फासे चलो अब आता है पीस यानी शांति शांति का नोबेल पुरस्कार वैसे तो कहा जाता है कि हर बार लगभग नोबेल कमेटी ये रिग्रेट करती है बीच बीच में रेगुलर बेस पर इस बात को उठाती कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता इनको जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए था लेकिन आपको पता है मरणोपरांत जो है ये नहीं दिया जाता उन्हीं को दिया जाता है जो जीवित होते हैं लेकिन फिर भी ये रिग्रेट किया जाता है और यहां पर समझते हैं पीस यानी शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी ठीक है आप सभी को पता है कि पूरी ईरान में खासकर ईरान में कि हिजाब को लेकर कई सारे कंट्रोवर्सी चल रही थी वहां पर मृत्यु दंड देना या देखते हैं कि आ, कहना ईश निंदा करना तो उसमें क्या है बहुत सारे ऐसे चीजों के लिए मृत्यु दंड सीधा दिया जाना वहां पर प्रस्तावित है उनके कानून में तो महिलाओं के अधिकार को लड़ने के लिए महिलाओं के अधिकारों के लिए और हिजाब और बाकी सब चीजों के लिए जो भी पॉसिबल वहां पर अप्रोच था उस एप्रोच को वो आगे बढ़ाने के लिए ये इनका जो है योगदान था हम किसी भी धर्म विशेष की किसी बातों को हम विरोध नहीं करते लेकिन उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की भी बात कही जानी चाहिए ठीक है तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों को क्रिटिसाइज किया जो बेवजह थोपा जा रहा था और उन चीजों को क्या किया आगे प्रोत्साहित किया जो महिलाओं के अधिकार को सशक्त बना रहे थे मजबूत कर रहे थे तो ये बात थोड़ा देखिए समझिए कि ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवा अधिकार और स्वतंत्रता हेतु तो संघर्ष के लिए ठीक है ह्यूमन राइट्स के लिए राइट्स फॉर द वेमेन के लिए और यहां पर बता देता हूं उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेके फ्रीडम ऑफ डिफरेंट अलग अलग चीजों के लिए ठीक है उनके पहनावे के लिए उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बातों के लिए उनके ह्यूमन राइट्स के लिए उनके बेसिक ह्यूमन बेसिक व्यूमेन के राइट्स के लिए ये उन्होंने लड़ा था ये क्या है ये एक्टिविस्ट है इनको जेल में रखा गया है और फिर भी इनको क्या है नोबेल पुरस्कार मिला है तो जेल में रहते रहते इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है अब जब इसलिए फाइनली जब नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाएगा जिस दिन उपस्थित होंगे तब तो वहां पर चीजें यहां पर और स्पष्ट होंगी लेकिन यहां पर वर्तमान में यहां पर देखना है कि ये जेल में ही है और इनको नोबेल पुरस्कार से इनका नाम नॉमिनेशन आया है मतलब ये नोबेल लॉरेट हो चुके हैं ठीक है थीके? ये बात ध्यान रखना वो जो चलाया गया रहा था वुमेन लाइफ फ्रीडम ये क्या है इसका जो है एक का स्लोगन था वोमेन लाइफ फ्रीडम यानी कि महिलाओं को उनका फ्रीडम दीजिए उनके अधिकारों की बात कीजिए तो ये भी सिंगल नेम है नरगिस मोहम्मदी इसलिए ईरानी एक्टिविस्ट है ये बात ध्यान रखना तो इसमें भी कोई लॉजिक या निमोनिक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं है फिर आता है लास्ट दैट इज इकोनॉमिक्स या इसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक साइंस भी कहते हैं इकोनॉमिक या इकोनॉमिक साइंस भी कहते हैं ठीक है ठीके? तो इसका किसे दिया गया था देखो आपको तो बता दो ये इकोनॉमिक्स की जो है 1968 से प्रारंभ हुई इकोनॉमिक के सेक्टर में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार 1968 से प्रारंभ हुआ है इन जनरल नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था 1901 से. 1901 से में को पहली बार एक्स किरण की खोज के लिए क्या है फिजिक्स के सेक्टर में नोबेल प्राइस मिला था नाइनटीन में लेकिन नोबेल पुरस्कार इस इकोनॉमिक के सेक्टर में इकोनॉमिक साइंस या इकोनॉमिक्स के सेक्टर में 1968 में ये प्रारंभ हुआ था ये बात क्लियर हो गई ठीक है तो इन्होंने क्या किया था देखो

और श्रम बाजार में भागी भागीदारी का पहला संपूर्ण विश्लेषण उन्होंने दिया था इसको समझिए सदियों से क्या है विमेन यानी कि फीमेल विमेन को हमेशा निचला दर्जा दिया गया है और मैन को जो है आगे दर्जा दिया गया है। हमेशा मैन सुपीरियर रहे और विमेन को जो है इनफीरियर माना गया ये इसमें कोई दो राय नहीं है लेट एक्सेप्ट लेकिन आज जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं या दुनिया के अलग अलग देशों में देखते हैं तो महिलाओं के अधिकारों की बात खासकर डेमोक्रेटिक कंट्री में यूएसए ले लो आप इंग्लैंड ले लो चाहे इंडिया ले लो या किसी भी दूसरे कंट्री में ले लो तो महिलाओं के अधिकारों की बात निश्चित तौर पर उनको दिया गया है कई बात कही गई है और जिस देश में महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिलता है उनका डेमोक्रेटिक इंडेक्स भी क्या होती है उसका जो है रैंकिंग अच्छा आता है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चीजों में जिसमें महिलाओं की उनके अधिकारों के लिए खासकर जब वो वर्क फील्ड में रहते हैं कार्य क्षेत्र में होते हैं उनको इनफीरियर माना गया है तो इसी पर इनका रिसर्च था कि सदियों से महिलाओं की आय और लेबर मार्केट में श्रम बाजार में उनकी भागीदारी क्या रही है कम रही है तो आज उसका जो है एक एनालिटिकल अप्रोच इन्होंने उन्होंने बताया है उसका संपूर्ण विश्लेषण किया है ठीक है तो महिलाओं के अधिकार अधिकार वाला मामला उधर है ईरान वाला ईरान वाला जो अभी थोड़ी देर पहले नरगिस मोहम्मदी वाला यहां पर महिलाओं का रोल क्या है लेबर मार्केट में उनका जो है उनकी सैलरी उनकी इनकम उनके राइट्स इस सब चीजों पर बात करें हैं इन्होंने एनालिसिस दिया है तो पहला संपूर्ण विश्लेषण दिया है कौन दिया है क्लाउडिया और श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव है उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है और समय के साथ साथ ये भेदभाव कम होता जा रहा है उसको बेहतर बनाया है इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था है ना अपने इकोनॉमिक्स के इस थ्योरी में क्योंकि मैन पावर या वेमेन पावर अल्टीमेटली तो वो वहां पर सीधा सीधा वो इकोनॉमी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं जब आपका मैन पावर या वेमेन पावर ज्यादा स्किल्ड होगा ज्यादा टैलेंटेड होगा तो इनोवेटिव टाइप के रिजल्ट निकलेंगे इकोनॉमी में बेहतर कंट्रीब्यूशन हो पाएगा तो जब महिलाओं की देखो दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट में महिलाओं का भी नाम आता है मैडम क्यूरी से लेकर हमारे मंगलयान से लेकर आप बड़े बड़े जो है देखते हैं आपको टेसी थॉमस से लेकर बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट रहे महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है लेकिन यहां पर जब लेबर मार्केट की बात करते हैं श्रम बाजार की बात करते हैं ओवरऑल वर्किंग कल्चर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वेमेन एम्पावरमेंट या वेमेन रिजर्वेशन बिल जैसी बातें क्यों उठ रही हैं क्योंकि अभी भी देखते हैं कि असमानता इनएक्विलिटी तो है तो अगर यहां पर इन्होंने कहा कि क्या इसलिए विश्लेषण दिया था कि श्रम बाजार में उनकी भी भागीदारी महत्वपूर्ण होती जा रही है उसका विश्लेषण किया था तो इकोनॉमिक के सेक्टर का ये बेसिकली एनालिसिस था इससे इनको क्लाउडिया को क्या मिला है आपका नोबेल पुरस्कार मिला है इस सेक्टर में बात समझ में आई तो आज हमने देखा इस पर्टिकुलर नोबेल लॉरेट या नोबेल विनर ट्वेंटी थ्री यानी 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिस्ट को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे अगर समझ नहीं आया होगा तो आप अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि 2023 के नोबेल लॉरेट की कंप्लीट पीडीएफ लिस्ट इंक्लूडिंग देयर लाइक कंट्रीब्यूशन उनका योगदान क्या है क्या नाम है किस दिन दिया गया है और किस विशेष चीज के लिए ये सब चीजें उनको नवाजा गया है उसका कंप्लीट विश्लेषण या कंप्लीट डिटेल उस पी में दिया गया होगा आप उसे जरूर डाउनलोड करिए और आई होप आपको ये समझ आया होगा तो आज के लिए हम इस छोटे से सेशन में इतना ही रखते हैं मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच हैव एन नाइस डे